हाँ सर, क्या हुआ था, कौन है, क्या है? हम लोग हैदराबाद से आए हुए हैं, सब जने कपड़े धो रहे थे, हम भी कपड़े धोने के लिए कपड़े धोए, तो बच्चा बाजू खड़े हुआ था, एकदम स्लिप हो गया, अंदर चलेगा, उसके बाद दर दूर पे हाथ बताया, उसके बाद दिखाना है बच्चा, हम तुरंत ऊपर आ गए, ये बच्चा भी डूब जा रहा था, एक मिल गया और खींच लिए, दूसरा डूब गया। क्या नाम है उसका, डूबा? उसका नाम आमिर है। अच्छा, 17 साल है। और दूसरा जो निकला वो इमरान है, 18 साल का ये इमरान, ये जो है इमरान है। अच्छा जी, क्या है दोनों ये? दोनों क्या लगते हैं? ये मेरा बेटा है, वो मेरा खलेरा भाई है। भाई है जी। अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। आमिर है जी, हैदराबाद से। काय के लिए आए हो अजमेर यहाँ? ज़ियारत करने के लिए। दरगाह जी। कितनी फैमिली है? हम लोगों के देखो ये 4 बच्चे, जो रुमरद हमारा खलेरा भाई, और दूसरी फैमिली उधर आगे है उन लगा सा। मेरा नाम जहांगीर है। क्या लगते हो? ये मेरा खलेरा भाई है, मामू का बेटा। भाई अभी पानी में निकला नहीं? नहीं निकला, अभी नहीं निकला, एक बार हाथ दिखाया, उसके बाद नहीं दिखा। कहाँ के हो? हैदराबाद से? याकूतपुरा। याकूतपुरा जी। क्या सूचना मिली आपको? हमें सूचना मिली कि आनासारी झील के अंदर कोई आदमी कूद गया, मैं और अभी बैठ गए, दोनों आनासारी चौक से दौड़ के आए, आके देखा तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी, पता किया तो कोई हैदराबाद का आमिर नो मोहम्मद गौस का है, जिसकी उम्र 18 साल बता रहे हैं, वो यहाँ नहाने के लिए नीचे उतरे, उसके पैर फिसल के अंदर चला गया, और हम गोताखोर से उसका बॉडी तलाश कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो जने थे? हाँ, दो जने नहा रहे थे, एक तो पैर फिसलने के अंदर चला गया, एक बाहरी था, उसी परिवार के हैं सारे, हैदराबाद से आए हैं दरगाह जी अर्थ के लिए। आपका नाम? रिछपाल सिंह है, आना सा चौकी कंसाना।